हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट द अपकमिंग यामाहा FZX। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ना ही यामाहा FZS एंड ना ही यामाहा FZ25। यह यामाहा की अपकमिंग FZX जिसे यामाहा मोटर इंडिया ने रिसेंटली इंडिया में ट्रेडमार्क फाइल किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपकमिंग यामाहा FZX के बारे में सभी कुछ बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स गेट मोटरिंग। सबसे पहले बात करें यामाहा FZX क्या होने वाली है। सो अगर आपको थोड़ी भी इस इंडस्ट्री की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द एडवेंचर मोटरसाइकिल्स जो होते हैं उसके नाम में एक्स होता ही है। मैंने मोस्ट कहा, सभी में नहीं होता बट मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल्स में होता है। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं हीरो की एक्सपल्स 200, उसमें एक्स आता है। पहले कावासाकी की आती थी इंडिया में, कावासाकी वर्सेस X300, उसमें भी एक्स था। ट्रायम्फ का आता है टाइगर 800 XCX, XCR, तो उन सभी भी X आता है। सो X जो है मोस्टली ऑफ रोड मोटरसाइकिल के साथ रिलेट किया जाता है। सो यामाहा मोटर इंडिया ने रिसेंटली इंडिया में ट्रेडमार्क किया है यामाहा FZX, एंड ऐसा माना जा रहा है कि यामाहा की तरफ से उनकी पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल होगी इन द इंडियन मार्केट, और वो भी अफोर्डेबल कैटेगरी में। आपको पता ही है कि इन रिसेंट टाइम्स जो इंडिया में एडवेंचर टूरर्स हैं एंड जो ऑफ रोड मोटरसाइकिल्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। कुछ साल पहले के देखें तो सबसे पहले इस सेगमेंट में आई थी हीरो की इम्पल्स, जो कि बुरी तरह फेल हो गई थी। उस मोटरसाइकिल को किसी ने भी पसंद नहीं किया था उस टाइम पे, बिकॉज लोगों को उस समय एडवेंचर मोटरसाइकिल्स की उतनी ज़रूरत नहीं होती थी। या तो लोग हाई एंड बाइक्स लेते थे या फिर वो ऐसी रहते थे, उन्हें स्पोर्ट्स बाइक पसंद आती थी। बट आज के टाइम में लोगों को इंडिया सेट करना, अपनी स्टेट को एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद आता है, एंड सो लोग चाहते हैं उनके पास भी एक सस्ती अफोर्डेबल एडवेंचर मोटरसाइकिल हो। अगर मैं बात करूँ एडवेंचर मोटरसाइकिल्स की जो कि इंडिया में फेमस रही, तो सबसे पहली थी रॉयल एनफील्ड की हिमालयन, जो कि आई गेस 2016 में आई थी एंड वो मास मार्केट सेगमेंट में एक बड़ी हिट रही। फिर आई हीरो की एक्सपल्स 200 एंड इसने अफोर्डेबल कैटेगरी में एडवेंचर सेगमेंट को एक अलग ही रूप दे दी। हीरो एक्सपल्स 200 एक काफ़ी सस्ती मोटरसाइकिल है एंड ये आपको प्रॉपर ऑफ रोड वाली थ्रिल्स भी ऑफर करती है। फिर इस सेगमेंट में एंट्री हुई KTM की, जो कि हालांकि सेम प्राइस में नहीं थी, थोड़ी सी ऊपर बिकती है, बट वो भी काफ़ी अच्छे नंबर्स में बिकी। आपको KTM 390 एडवेंचर मिलता है। फिर KTM में रिसेंटली लॉन्च किया डी 250 एडवेंचर, एंड इसी प्राइस में आपको BMW का G310 GS भी मिलता है, जो कि अगेन एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है। सो यस, एडवेंचर टूरर्स एंड ऑफ रोड मोटरसाइकिल्स इंडिया में अब काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, एंड इसलिए सभी कंपनी चाहती है कि वो अपनी इंडियन पोर्टफोलियो में एटलीस्ट एक एडवेंचर मोटरसाइकिल ज़रूर रखे। यामाहा मोटर इंडिया ने 2019 में कहा था कि वो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए एक एडवेंचर मोटरसाइकिल बना रहे हैं जो कि काफ़ी अफोर्डेबल होगी। हमें लग रहा था कि वो यामाहा की FZ25 के ऊपर बेस्ड एक एडवेंचर मोटरसाइकिल होगी, एंड अब लग रहा है कि वो हकीकत होने जा रही है। रिसेंटली यामाहा ने FZX को इंडिया में ट्रेडमार्क फाइल किया है। इसका मतलब ये है कि इस नाम से मोटरसाइकिल बहुत जल्द आने वाली है। मोस्ट ऑफ द केस में कंपनी उसी टाइम ट्रेडमार्क फाइल करती है जब वो उस मोटरसाइकिल के ऊपर काम कर रही होती है। सो लास्ट ईयर यामाहा ने कहा था कि वो एक एडवेंचर मोटरसाइकिल के ऊपर काम कर रही है, एंड मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से खबर आई थी कि कंपनी अपनी FZ25 की जो प्लेटफॉर्म है उसे यूज़ करेगी फॉर एन अपकमिंग एडवेंचर मोटरसाइकिल। अब ये FZX है, सो मोस्ट ऑफ द लोग ये भी सोचेंगे कि यामाहा की FZS पे बेस्ड होगी। मुझे भी लगा था कि कंपनी यामाहा FZS पे बेस्ड एक एडवेंचर मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी, बट यामाहा FZS काफ़ी अंडर पावर्ड मोटरसाइकिल है एंड उसके ऊपर एक एडवेंचर मोटरसाइकिल उतनी अच्छी नहीं रहेगी, बिकॉज आजकल लोगों के पास परचेजिंग पावर है एंड लोग हाई एंड बाइक्स भी खरीद सकते हैं। सो कंपनी एक क्वार्टर लीटर मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी जो कि एडवेंचर कैटेगरी में आएगी, एंड वो बेस्ड होगी ऑन द यामाहा FZ25। आप एक पिक्चर भी देख पा रहे हैं जो कि इसका एक रेंडर्ड इमेज है। सेजवाल योगी नाम के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मैंने ये पिक्चर लिया है, उन्हें क्रेडिट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसका रेंडर किया है। हालांकि उन्होंने रेंडर किया यामाहा FZ150 पे, बट अगर ये FZ25 बेस ऐसे ही कुछ बनाए तो काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर मैं बात करूँ इसकी पावर फिगर्स की, तो मैं आपको बताता हूँ FZ25 की पावर फिगर्स, बिकॉज इसमें आपको सेम प्लेटफॉर्म मिलेगा, सेम इंजन मिलेगा। सो जो FZ25 है फिलहाल पावर होती है एक BS6 कंप्लाइंट 249cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड SOHC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन से। जो ये इंजन है वो FZ25 में डिलीवर करती है 20.8 PS ऑफ पावर एट 8000 RPM एंड 20.1 Nm ऑफ पीक टॉर्क एट 6000 RPM, एंड आपको इसमें एक 5-speed का मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। यामाहा मोटर इंडिया FZX जो एडवेंचर मोटरसाइकिल आएगी उसमें भी मोस्ट लाइकली सेम इंजन ऑफर करेगी इन सेम ट्यूनिंग,
बट कंपनी थोड़ी बहुत उसे माइनर ट्विकिंग कर सकती है ताकि उसकी जो लो एंड परफॉर्मेंस है थोड़ी और अच्छी हो जाए। बाकी FZX के ऊपर फिलहाल हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, बट ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में 2021 के सेकेंड हाफ में यानी जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच कभी भी लॉन्च हो सकती है। एंड अगर कंपनी से फेस्टिव सीजन से पहले लॉन्च कर दे तो वो और काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज फेस्टिव सीजन में लोग काफ़ी अच्छी नंबर्स में बाइक खरीदते हैं। अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की, तो यामा FZ25 की इंडिया में करंट प्राइस स्टार्ट होती है एट ₹1.52 लाख एक्स शोरूम, एंड जो नई एडवेंचर मोटरसाइकिल आएगी वो इससे थोड़ी और महंगी होगी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.70 से 1.80 लाख के बीच इसके प्राइसिंग हो सकती है। ड्राइवर्स की बात करें तो कोई भी डायरेक्ट राइवल नहीं होगी, इनडायरेक्टली बट ये राइवल करेगी टू हीरो एक्सपल्स 200, रॉयल एनफील्ड की हिमालयन, KTM 250 एडवेंचर, BMW G310 GS, इन सभी मोटरसाइकिल्स को। तो आप ये हॉट से क्या आपको लगता है इंडिया में एडवेंचर टूरर्स की हमें काफ़ी ज़रूरत है, खासकर अगर मास मार्केट सेगमेंट की बात करें तो क्या आपको लगता है कि होंडा, सुजुकी इन सभी कंपनीज को भी इंडिया में एक एडवेंचर टूरर लॉन्च करना चाहिए? अपने थॉट्स आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर टू द डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।